ये रूम हो गया, यहाँ मेरे कपड़े वगैरह मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। बाथरूम काफी अच्छा है, देखो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैंने एमआई कर लिया पावर बैंक। बाकी देखो आप मनाली काफी बड़ा, ये देखो कितना बड़ा खरगोश है ये। वीडियो कॉल करो, भैया चले गए ऊपर। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं अपने होटल के रूम में और मुझे ये मेन माल रोड जो है मनाली का, वहां पर ये रूम मिला है। अभी कोरोना के कारण काफी सस्ते में रूम मिल रहा है, 600 रुपए में मुझे मात्र ये एक रूम मिल गया है, जिसका मैं आपको टूर दिखाता हूँ। देखो ये रूम हो गया, यहाँ मेरे कपड़े वगैरह मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। 3 दिन से ये कपड़े मैंने धो दिए थे लेकिन उसे सुखाने का मौका नहीं मिला था। एक ये कपड़ा डला है, ये अभी मैं जींस पहनूंगा, और ये मेरा जैकेट और जैकेट का रेन लाइनर, और बाकी सारा सामान मैंने यहाँ पर अपने गाड़ी का टैंक बैग वगैरह सब यहाँ पर प्लेसमेंट कर दिया है। और ये रहा इसका बाथरूम, काफी अच्छा है देखो। तो ये रूम मुझे काफी सस्ते में पड़ा, मात्र 600 रुपए में मैंने ये रूम लिया। हम लोग सब लोगों ने मिलकर 2 रूम लिया है मात्र 1200 रुपए में, तो बहुत सस्ते में रूम मिल गया। और यहाँ पर बैठने का वगैरह का भी है, रेस्टोरेंट इसमें इनबिल्ट है और काफी कूल वेदर है। ऊपर पंखा भी दिया जो जनरली हिल स्टेशन में नहीं रहता है। तो अभी फटाफट मैं तैयार होऊंगा, शाम हो रही है, 5:30 हो रहे हैं, तो जाकर माल रोड भी घूम लेते हैं और मनाली भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। ये एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा, हो सके तो मनाली का भी मैं ब्लॉग बना दूंगा। और कल सुबह मैं RT-PCR टेस्ट करके उसके बाद निकलेंगे लद्दाख के लिए। RT-PCR का मैंने सोचा है 10:30 बजे का हमारा टाइमिंग है, 10:30 बजे RT-PCR टेस्ट कराकर हम उसे अपना मोबाइल नंबर देकर लद्दाख निकल जाएंगे, क्योंकि टेस्ट का रिपोर्ट आने में 1 दिन टाइम लग जाता है और 1 दिन हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो रिपोर्ट हमारी मोबाइल पर वो भेज देगा, तब तक हम लोग ले भी पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है, देखो भगवान क्या करते हैं। तो अभी मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ और बाहर मनाली घूमने के लिए रेडी हूँ, बट सूरज भाई को थोड़ा ज्यादा तैयार होना पड़ता है। टोपी ले रहा हूँ, टोपी। अच्छा टोपी ले रहे हैं, कोई कौन सा, हिमाचल वाला? नहीं, वो कैप ले रहा हूँ। और अनुज भाई रेडी हैं, बाकी सब लोग भी रेडी है, बस सूरज भाई थोड़ा देर से उग रहे हैं। आपसे कम है, फ्यूचर ब्राइट है, 1000 सब्सक्राइबर है आप, आपका 15,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल भी है। भैया कौन चाहिए आपके सामने, भैया खुद आपके सब्सक्राइबर हैं, इनको भी जरूर सब्सक्राइब। गुरु अभिनव व्लॉग एक्सपेरिमेंट वाले फेज में चल रहे हैं, अभी कुछ दिन में प्रोफेशनल हो जाएंगे। मनाली मैं आ रहा हूँ, तो निकल गए होटल से बाहर, ये वाला होटल है देख लो। बाकी देखो आप मनाली, ये रहा मनाली का व्यू जहाँ हम लोग होटल लिए हैं, वहाँ से देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है सब कुछ, फीलिंग आ रही है दार्जिलिंग वाली। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, दार्जिलिंग जैसी कोई बात नहीं, यहाँ मोमो मोमो नेपाली लोग नहीं मिलेगा आपको, या हिमाचल के लोग मिलेंगे, और यहाँ छोले भटूरे राजमा ज़्यादा मिलते हैं। ये देखो मूर्ति उधर बन रही है, कोरोना के कारण यहाँ देखो दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं, 8 बज रहे हैं, सारी दुकानें बंद होनी शुरू हो गई हैं। ये गोलगप्पे बेच रहे हैं, ये तंदूरी चिकन वगैरह है, टेबल नहीं खाएंगे, हमें जाना है लद्दाख। और हाजमा भी दुरुस्त रखना जरूरी है। तो भैया रात के बज रहे हैं 8 और मनाली पूरी तरह से अभी बंद होने जा रहा है, और हर तरफ अभी क्या है कि यहाँ 8 बजे सब बंद करने का शेड्यूल है। आप देख सकते हैं पुलिस वाले ज़बरदस्ती दुकान बंद करवा रहे हैं, ये देखो लॉकडाउन का है। तो आप अगर मनाली आ रहे हो अभी टाइम 8 बजे से पहले आपको जो मार्केटिंग करना है कर लो, क्योंकि 8 बजे के बाद आपको कुछ भी खुला नहीं मिलने वाला, ठीक है। और अभी हम लोग निकले हैं, ये आ गए माल रोड। ये माल रोड आ गए, ये माल रोड है। यहाँ बहुत सारे बंदे, यहाँ के जो ब्रोकर हैं हम उससे टैक्सी के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया रोहतांग पास के लिए आपको टैक्सी चाहिए, इसके लिए टैक्सी चाहिए, उसके लिए टैक्सी चाहिए। अब इनको बताऊंगा कि मैं पटना बिहार से बाइक से आया हूँ, तो पता नहीं कि क्या हालत होगी। काफी ज्यादा भीड़ है, लग ही नहीं रहा कि कोरोना है, ये सब न्यूज वाली बातें हैं। अच्छा, कोरोना कुछ नहीं है ऐसा ना, मतलब ऐसा लग रहा है। देखो अभिनव भाई को पुलिस रगड़ दिया धर के, इन्होंने मास्क नहीं पहना था।
वहाँ जा रही पुलिस, देखो हिमाचल पुलिस कितनी अच्छी है, देखो फ्री में मास्क दिया। आगे से मास्क पहना करो ठीक है, इतनी अच्छी पुलिस कहीं नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर पुलिस ने पकड़ने में भी मास्क गिफ्ट किया बंदे को, ठीक है। पुलिस बहुत अच्छी है हिमाचल की भैया, देखो मास्क पहने हुए हैं है? एक बार ये देखो कितना बड़ा खरगोश है, ये पोमेरेनियन लग रहा है एकदम। दो मिनट करना बक्स, इतना बड़ा खरगोश लग रहा है। ये पकौड़ी कैसे पकौड़ी तो गरम गरम मिलेगा ना, तो भैया जैसे कि आप देख सकते हो 250 ग्राम पकौड़ी 60 रुपए की, ये है मनाली का रेट, बहुत महंगा है बहुत महंगा। तो आप लोगों ने माल रोड घूम लिया, कैसा लगा आपको माल रोड बताइएगा और कमेंट में सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मनाली बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने दार्जिलिंग गैंगटॉक भी घूमा और उसके हिसाब से मुझे मनाली काफी खूबसूरत लगा, लेकिन बस यही है यहाँ कोरोना के कारण 8 बजे लॉकडाउन हो जा रहा है, ये तो हर जगह हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 11 और अभी हूँ मैं माल रोड, जैसा पीछे माल रोड के आसपास में हूँ और अभी मैं यहाँ निकला हूँ एक पावर बैंक लेने, जो मैं घर से ही सोचा था दिल्ली से लूँगा, दिल्ली में सोचा मंडी में लूँगा, मंडी में सोचा शिमला मनाली में लूँगा, तो अभी फाइनली मनाली में मैं ले रहा हूँ, किसके आगे मिलेगा नहीं। और मुझे एक और रेनकोट फिर लेना पड़ेगा क्योंकि वो पिछला रेनकोट लिया था फट गया था, जिसके कारण पूरे रास्ते मैंने पैंट भीग दे रहा, तो एक रेनकोट ले लेंगे, ये ले लेंगे पावर बैंक और एक दो चीज़ क्योंकि मार्केटिंग अभी और करनी है वो करके, तो उसके बाद चलेंगे। माल रोड है वो उधर टैक्सी स्टैंड है और ये खाने पीने की दुकानें हैं। ये माल रोड में घूम रहा हूँ मैं, 10:30 बजे मेरा RT-PCR का टेस्ट है, वो कराना है फिर सीधे निकलना है लेह के लिए। यहाँ से अटल टनल आपको वही करीबन 25 किलोमीटर के आसपास है, 25 से भी कम ही है, तो आज हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा जिस्पा या फिर सरचू रुकने का, एक दिन में तो कवर नहीं कर पाएंगे मुझे पता है ले, लेकिन कल शाम तक हम लोग को ले पहुंचना है। ये डॉगी देखो ये तो प्यार से बैठा है। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ ATM जो मिल नहीं रहा, पैसे निकालने हैं मुझे, 3-4 ATM ट्राई कर चुका हूँ, सारी दुकानें अभी बंद हैं, सुबह का टाइम है। भैया पैसे तो मैंने निकाल लिए, यहाँ पीछे यूको बैंक के ATM से पैसा निकला, लेकिन आपको एक बात बता दे रहा हूँ, यहाँ के ATM पर भरोसा मत करना, माल रोड में लाइन से आपको 10 ATM मिल जाएंगे लेकिन एक भी काम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ यूको बैंक ही सहारा था, अगर इसमें नहीं निकलता तो मैं तो फंस जाता भैया कि कहाँ से पैसे निकालूं। तो चलो ये तो हो गया, पैसे निकाल लिए, अब वही पावर बैंक मेमोरी कार्ड वगैरह खरीद के तो होटल चलते हैं। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैंने MI कर लिया पावर बैंक और दुकान देखो यहाँ पर दुकान है, काफी लेट हो गया हूँ। तो दोस्तों लोग जा रहे हैं भी RT-PCR कराने, बाइक निकाल रहे अपनी, तो आज धूप निकली है मनाली में और आज डे है 11 है जैसा बताया मैंने आपको, और अभी जा रहा हूँ मैं RT-PCR कराने, पहले कभी कराया नहीं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है RT-PCR का। यहीं पे बगल में एक हॉस्पिटल है, वहीं पर जाकर कराना है, कल हम लोगों ने नंबर लगा दिया था और बस चले जाना है। माल रोड है, पुलिस वालों ने घुमा दिया पता नहीं क्यों, इधर से जाओ। तो ये हम लोग निकल गए हैं, इधर होटल है इधर, पानी भी बहुत खतर है। देखो दोस्तों कल कितनी बारिश हुई थी यहाँ पर और आज कितना खूबसूरत सुहावना मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम चिल ठंड है, अभी नीचे पूरी गर्मी और यहाँ ठंड है, बहुत मस्त लग रहा है। तो ये आ गए हम हॉस्पिटल, ये आ गए हम हॉस्पिटल,
बोलो भैया। तो ये हम जा रहे हैं आरटीपीसीआर टेस्ट कराने। देखो भाई साहब जर्मन शेफर्ड भी कुछ नहीं है इनके आगे, इतने बड़े बड़े अनुज भाई नाक में बुड़वाते हुए। अरे अरे हट दो सामने से, हट तो उनका वीडियो से बना रहे थे। अरे तो हम भी बना रहे हैं, जूम करके साइड। दोस्तों आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग का हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। इसका रिपोर्ट हम लोग को कल 3 बजे वाया टेक्स्ट मैसेज करेगा। और आप तो जानते ही हैं कि अगर हम लोग अभी लद्दाख निकल जाते हैं या लेह के लिए, तो वहाँ पर हमें दूसरा सिम लेना पड़ेगा, क्योंकि वह प्रीपेड सिम काम नहीं करता। तो भैया हमें अपने इसी नंबर पर आपको टेस्ट मंगाना पड़ेगा और हमें यहीं पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा नंबर तो हमने लिया ही नहीं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मनाली में आज हम लोग का मनाली में दूसरा दिन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग के पास पूरा दिन ऐसे ही बचा हुआ था, कुछ है नहीं करने को, तो हमने सोचा क्यों नहीं आसपास के कुछ जगह एक्सप्लोर कर लिया जाए, कुछ जगह विजिट कर लिया जाए। तो बगल में एक टेम्पल काफी फेमस है, हिडिम्बा टेम्पल, वहां पर हम लोग जाएंगे। और एक व्यास नदी बह रही है, वहां भी जाके थोड़ा सा हम लोग चिलिंग करें। तो गाइस हम लोग हो गए रेडी, ये बेसमेंट में हम लोगों ने गाड़ी पार्क की थी। चलो राइड स्टार्ट करते हैं, मनाली को एक्सप्लोर करना है आज। और ये हम लोग अपने होटल से निकल गए हैं, ये जाता है सीधे माल रोड, लेकिन शायद हमें जाने नहीं दिया जाए, यहाँ से लेफ्ट घूमना पड़ेगा। देखता हूँ सुबह में तो लेफ्ट बोल दिया था। अभी हम लोग जा रहे हैं हिडिम्बा टेंपल जाना है, व्यास रिवर जाना है और तीसरी जगह जाना है, फॉल जिसका नाम मैं फिर भूल गया, मैंने आपको बताया था अभी, तो वो वाले फॉल जाना है। सब आस ही पास है मनाली के, जो हम लोग आराम से कवर कर सकते हैं, 4-5 किलोमीटर के रेडियस में है। लॉकडाउन के समय देख सकते हो कितनी भीड़ है, कोई दिक्कत नहीं है लॉकडाउन से, आ सकते हो मनाली। और ये यहाँ का गोल नंबर है माल रोड का। आज गाड़ी पे जो मैंने लिखवाया मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं दिखा दूंगा अभी यहाँ पर, जहाँ रुकूंगा मैं वहाँ पर दिखाऊंगा कि मैंने क्या लिखवाया। अपने चैनल का नाम लिखवा दिया यहाँ पर, एक और स्टिकर पर आई है मैंने। तो बस यही रोड है, ये से सीधे है आपको चला जाता है अटल टनल साइड, और इधर चला जाता है आपको मनाली कुल्लू वाला रोड है जो राइट साइड वो चला जाता है, या ऊपर में आते हो तो आप डायरेक्ट माल रोड मनाली टाउन में आ जाते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं लगता है अटल टनल साइड।
तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर में बर्फ से लदे हुए वहाँ पहाड़ है वहाँ पे। बाइक चलाने का एक अलग ही मजा है, वैसे सामान लोडिंग होने का भी एक अलग मजा है। अब राइडर्स लोग तो सामान लोड करके चलते ही हैं, बट अभी तो फ्री लग रहा है, लग रहा है गाड़ी जो हमारी गाड़ी डबल पावर की हो गई है। ये देखो यहाँ पर आपको बलून्स की भी यहाँ पर ये की जा रही है, आप बलून्स में घूम सकते हो। और वो ऊपर में वो देखो पहाड़ से पहाड़, और क्या खूबसूरत नज़ारा है वो देखो आप। मैं इसका एक मोबाइल से भी ले लेता हूँ। क्या चलना है क्या नहीं रुकते, बाइक लगा देते हैं, बाइक पीछे से उतर जाएगी, बाइक नीचे उतार लेते हैं, उसके बाद वहाँ से यहाँ चिल करेंगे। ज्ञान है अभी अपनी बाइक पे कुछ स्टिकरिंग करवाया हुआ जो कि इनके चैनल का लोगो है और एक्चुअल अर्थिंग किया हुआ है, तो आप देख सकते हो बाइक काफ़ी कूल लग रही है। और अनुज भैया की बाइक तो यार बचपन से कूल लगती है, जब से पैदा होकर तब से कूल लगी है। और मेरी स्टिकरिंग आप देख सकते हो तो भी कराई। सो गाइस बाइक मैंने पीछे पार्क कर दी है, सूट भी पार्क है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बैलून है, बैलून का हम लोग ये पता कर रहे हैं। वैसे बैलून पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बाकी यहाँ पर आप पीछे ये देख सकते हो कितना सुंदर है ये बर्फ से लदे पहाड़। देखो ये बादल कैसे छिपा लेते हैं पहाड़ को ताकि धूप न पड़े और बर्फ न पिघले, ये खूबसूरती देखो भैया। और चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे रिवर, ये व्यास रिवर है और गजब की खूबसूरत है, आपको वो भी दिखाते हैं। दोस्तों मेरे पीछे है व्यास रिवर, देखो ये कितना मस्त है नज़ारा, कितना मस्त है यहाँ पे, यहाँ एक पिकनिक स्पॉट टाइप ही है, सब लोग अपना यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और ये बगल में ये बैलून है, तो ये बलून है कितना बड़ा सा होता है देख लो, ढेर सारा बड़ा है ये। ओ भाई साहब क्या आग इसमें से निकल रहा है भाई, ये तो भैया जा रहे हैं। भैया चले गए ऊपर, 1200 रुपये पर पर्सन यहाँ पर चार्ज है, 1200 रुपीज। और सीनरी आप देख ही रहे हो, किन वादियों में ये बलून का आप लुफ्त उठा सकते हो। चलिए दोस्तों इस जगह करते हैं बाय बाय और चलते हैं इधर। ठंड काफी बढ़ गई है।
अचानक से, बहुत ठंड लग रही है, पता नहीं क्या अचानक से, अभी आया था तो उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अभी एक घंटे आधे घंटे हम लोग यहाँ रुके हैं और इतनी ठंड बढ़ गई है कि, और देखो अभी रात के हो रहे हैं 7:30-8:15 और कितना ज़्यादा यहाँ पर दिन है हमारे सर। पटना में तो इस समय तक पूरी रात हो जाती है, खाना वगैरह पक जाता है इस समय तक, और यहाँ देखो लोग अभी घूम ही रहे हैं आराम से। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं हिडिंबा टेम्पल, खड़ा है बाप रे कितना खूबसूरत है। दोस्तों ये हिडिंबा देवी का टेंपल, पता नहीं मैं जा पाऊंगा कि नहीं, रात हो चली है। हिडिंबा टेंपल, हिडिंबा देवी का मंदिर, तो ये मैं आ गया हूँ हिडिंबा टेंपल, देख सकते हो आप, हिडिंबा माता का मंदिर है और के अंदर पूजा चल रही है, आस पास का कैंपस देख सकते हो, ये सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं, पेड़ हैं यूकेलिप्टस के, रात हो चली है, शेर बना हुआ है। बैठने का पीछे भी आपको दिखाता हूँ, मंदिर है मंदिर में, मम्मी के साथ फोटो देखी थी अपने, बड़ी मम्मी की याद आ रही थी। थोड़ा देर और रुकने का मन था लेकिन इतनी रात को मैं यहाँ पहुँचा कि अब और रुक नहीं सकता था, मंदिर बंद होने को था, लेकिन बहुत खूबसूरत और प्राचीन मंदिर है। जब आप मनाली आओ तो ज़रूर विजिट करो, ये मनाली शहर और मंदिर बहुत हाइट पे है, बहुत चढ़ाई पे है, मनाली ही में आपको 3 किलोमीटर हाइट पे चढ़ना पड़ता है मंदिर को विजिट करने के लिए। हम नीचे उतर रहे हैं, दोस्तों यहाँ से आप मनाली का व्यू देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा सामने बहुत सारे चमकीले घर चमक रहे हैं सारे,
यहाँ पर आप फैमिली के साथ आओ घूमने, बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ आ गए हम लोग मालवेड, आ गया हूँ घर और मतलब कि होटल, और अब मैं जा रहा हूँ सोने। जब भी जाके हो सके तो थोड़ा बार खाऊंगा पीऊंगा और उसके बाद आकर सो जाऊंगा, क्योंकि कल सुबह हम लोग को 5-6 बजे निकलना है राइड पर अपने, क्योंकि कल हम लोग को काफी कवर करना है, क्योंकि हम लोग को कल रोहतांग भी जाना है और अटल टनल दोनों को हम लोग को टच करना है। अटल टनल से हम लोग निकलेंगे और वापस बैक की ओर रोहतांग चढ़ जाएंगे ना, फोटो वगैरह लेकर रोहतांग घूम कर फिर हम लोग वापस अटल टनल के सामने से फिर सीधे निकल जाएंगे। तो ये हम लोग का प्लान है, देखो भगवान की क्या मर्जी है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा तो भगवान है, वही जो डिसाइड करता है, एक दिन में होता है, दो दिन में होता है, सब चीज सेफ रहे। और तो चलो आज के व्लॉग को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।